हाय फ्रेंड, अगेन वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। मैं इस चैनल पे लाया हूँ इस आईबी का ही क्वेश्चंस, लेकिन रीजनिंग की क्वेश्चंस है। मैंने इसके पहले डिस्कस किया था मैथ्स के क्वेश्चंस को और जीके जीएस के क्वेश्चंस को। तो देख पा रहे हैं 81 नंबर से स्टार्ट है रीजनिंग के क्वेश्चंस को, क्योंकि ये 81 नंबर सीरियली है इसलिए ऐसा दिख रहा है, हालांकि ये रीजनिंग के पहले क्वेश्चंस थे। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग का। चार ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें से ऑड नंबर ऑड छांटना है कि तीन किसी न किसी एक जैसे हैं और एक अलग है। तो चलिए, पहला है बिंद, सतपुड़ा, अरावली और डल झील। तो तीनों पर्वत के नाम हैं लेकिन ये झील है, इसलिए आंसर हो जाता है डल झील। नेक्स्ट है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। तो ये मेरे को कन्फ्यूजन है, ऐसे मैं एग्ज़ाम दिया हूँ तो मैं तो कावेरी अपने दिमाग से टिक कर दिया है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने तो ये जानकर टिक किया है कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र संगम पे एक ही जगह पे मिलते हैं लेकिन कावेरी नहीं मिलती है, इसलिए टिक कर दिया। लेकिन इस सवाल को पेंडिंग आप रख सकते हैं क्योंकि मेरे को खुद कन्फर्म नहीं है, तो इसको पेंडिंग रखिए। बाकी आप खुद से देख लीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि रीजनिंग है, रीजनिंग अपने अलग अलग लोगों की अपने माइंड से अलग अलग सोचावट होती है। तो ये कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि कावेरी ही होगा, क्योंकि अच्छे रीजंस मेरे को खुद कंफर्म नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर, तापमान। तो आप देख पा रहे हैं, ये तो देखने में लग रहा है कि तीनों कहीं ना कहीं यंत्र है मापने वाला, लेकिन ये टेम्परेचर है तो ये अलग है। आम, सेब, आलू और ब्लैकबेरी। तो इसका राइट आंसर आलू हो जाता, क्योंकि ये सब ऊपर पेड़ में फड़ने वाले हैं, ये नीचे बैठते हैं ज़मीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइजोल, ईटानगर, त्रिपुरा, शिलोंग। तो ये त्रिपुरा राज्य है, बाकी सब राजधानी है। इस बेसिस पे सिंपल क्वेश्चन थे, रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं थी, मतलब कि कोई भी पेपर हार्ड नहीं थी इसकी। नेक्स्ट थी तांबा, जो धातु से रिलेटेड है। तो आप चार ऑप्शन में से कौन सा इसी के जैसा दिखा रहा है, तो मसाले में मिर्च होते हैं, तो मेरे हिसाब से ये आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट है कि अन्नागार में गेहूँ, जहाँ अन्न रखा जाता है उसमें गेहूँ ही होता है, तो जहाँ संग्रहालय होता है वहाँ दस्तावेज रखे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाता। अल्बानिया, यूरोप, यूरोप महादेश में अल्बानिया एक देश है जो यूरोप में पड़ता है। तो कोडडी आइवरी, ये अफ्रीका महादेश में एक जगह है जो अफ्रीका में पड़ता है, तो इसका ये आंसर हो जाता। नेक्स्ट है यूरेनियम, जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए यूज होता है यूरेनियम, उसी तरह से कोयला जो है ताप ऊर्जा संयंत्र के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग की कि हल्लीकर, जो गाय से रिलेटेड है, इसमें से ऐसा चार ऑप्शन में से और कौन सा है। तो देखिए डच सुंड जो है कुत्ता के से रिलेटेड है, जैसे हल्लीकर जो है गाय से ही, गाय का मतलब है कि काउच का अलग अलग जो टाइप से उसको हल्लीकर बोला जाता है, तो डॉग के अलग अलग जो प्रजातियां हैं उसको डच सुंड बोला जाता है, तो ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या क्रम में अगली संख्या क्या होता है, 7, 10, 8, 11, 9। तो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, राइट आंसर 10 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगली, इसमें भी पूछा हुआ है RUXAD, अगला पूछा हुआ है, तो राइट आंसर इसका जी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक महीने का सातवां दिन शुक्रवार से तीन दिन पहले है तो महीने का 19वां दिन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा रविवार, आप काउंट कर सकते हैं, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यदि अर्न इससे संबंधित है, यानी कि अर्न को ऐसे लिखा जा रहा है, बॉन्ड को इससे लिखा जाता है, तो उसी तरह से टीयर को कैसे लिखा जाएगा, तो राइट आंसर AERT हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक पिता और उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 10:1 है, तो पुत्र की आयु कितनी है। तो राइट आंसर के साथ 4 वर्ष हो जाएगा, आप सॉल्यूशन कर दीजिए। हालांकि ये मैथ से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, रीजनिंग में भी मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं। और देखिए बहुत बढ़िया है कि 5 क्वेश्चन तो एजर्सन रीजन टाइप में थे, यानी कि कथन निष्कर्ष पे था। कथन था कि एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम ने 200 रन बनाए जिससे 160 रन स्पिनरों ने बनाए, एक कथन दिया हुआ था। और निष्कर्ष दो को था कि 80% टीम स्पिनर हैं और प्रारंभिक बल्लेबाज स्पिनर थे, तो कौन सा निष्कर्ष सही है, तो न तो 1 न तो 2, यानी कि दोनों निष्कर्ष गलत हैं। नेक्स्ट है कथन निष्कर्ष वाले में क्वेश्चन में कि पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था आती है। तो और पहला था कि परिवर्तन प्रकृति का नियम था, यह निष्कर्ष दिया हुआ है। दूसरा था कि पुराने विचारों को त्याग दें क्योंकि यह पुराने हैं, तो इसमें भी राइट आंसर होता है कि नहीं 1 और नहीं 2, यानी कि दोनों गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एल्युमिनियम उत्पादन में वृद्धि के कारण भारत एल्युमिनियम में आत्मनिर्भर बन गया है, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी द्वारा एल्युमिनियम जो का उत्पादन वृद्धि के कारण
आत्मनिर्भर बन गया है। तो पहला निष्कर्ष था कि पहले भारत को एल्युमिनियम क्या आयात करना पड़ता था, बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर भारत में अभी ही वृद्धि हुआ है तो पहले वृद्धि नहीं हुआ था। तो राइट आंसर इसमें 1 और 2 दोनों आएंगे निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष था कि एल्युमिनियम का निर्यात शुरू कर सकता है, यानी कि भारत में जब वृद्धि हुआ है तो कर सकता है किसी दूसरे को निर्यात, इस बेसिस पे 1 और 2 दोनों आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट रीजन से, सभी आम सुनहरे रंग के हैं और कोई भी सुनहरी रंग की वस्तु सस्ती नहीं होती है। और पहला निष्कर्ष था कि सभी आम सस्ते हैं, दूसरा था कि सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं हैं। तो दो निष्कर्ष थे, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड की पेड़ों की पत्तियां मोटी होती है और इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। तो इसका निष्कर्ष पढ़िए, सभी मोटी पत्तियां वाले पौधे कम पानी की आवश्यकता होती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जबकि दूसरा, जेड का पौधा उन स्थानों पर उग सकता है जहाँ पानी की आवश्यकता पानी की अधिकता नहीं होती है। तो बिल्कुल सही है, ये होने का संभावना है, तो राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा। तो ये थे रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस। तो कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे दोस्त, तो अगर आप छोड़े होंगे, फॉर्म भर के छोड़े होंगे तो बहुत ये लग रही होगी। तो खैर बाकी थैंक यू।